2021 की फास्ट लैन में हमें जो अजीब सी ड्रेस में न्यू फीड देखने को मिला, क्या वो असली फीड है या फिर कोई नकली फीड बनकर सबको फुद्दू बना रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडे। तो आज की वीडियो काफी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू फीड के बारे में कि फास्ट लैन 2021 में हमें जो फीड का रिटर्न देखने को मिला है, क्या वो असली फीड है या फिर नकली फीड है। दोस्तों, फास्ट लैन 2021 में हमें रैंडी ओटन वर्सेज एलेक्सा ब्लिस के बीच में एक मैच देखने को मिलता है, और इस मैच की शुरुआत से ही एलेक्सा ब्लिस रैंडी ओटन के साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश करती है। रैंडी ओटन को अपनी सुपर नेचुरल पावर से डराने की कोशिश करती है। इसके बाद दोस्तों रिंग फटती है और फीड रिंग के अंदर से हाथ निकालकर अपना रिटर्न करता है, बिल्कुल अंडरटेकर की स्टाइल में। इसके बाद दोस्तों रिंग के अंदर से धमाका भी होता है, बिल्कुल मॉन्स्टर केन की स्टाइल में। दोस्तों, अगर आप WWE काफी टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता होगा ऐसे कारनामे पहले के टाइम में केन और अंडरटेकर भी करते थे। You are right, bro. मतलब एक तरह से फीड अंडरटेकर और केन जैसा सुपरस्टार बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, केन और अंडरटेकर वाकई में अपने टाइम के काफी तगड़े सुपरस्टार है, उनके जैसा कोई नहीं बन सकता। पता नहीं कितने मॉन्स्टर आए, लेकिन अंडरटेकर और केन जैसा मॉन्स्टर ना तो कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। You are right, bro. इसके बाद दोस्तों रो के एपिसोड में भी हमें यही नौटंकीबाजी देखने को मिलती है। एलेक्सा ब्लिस रैंडी ओटन के साथ माइंड गेम खेलती है, उसके बाद अंधेरा होता है, केन की तरह पटाखा फूटता है और हमें फीड देखने को मिलता है। दोस्तों, न्यू फीड का गेटअप या फिर उसकी ड्रेस पुराने फीड से बिल्कुल अलग है। ये जो न्यू फीड है, इसकी ड्रेस पूरी तरह से देखने में जली हुई लगती है, जैसे किसी भुट्टे को भून दिया हो। दोस्तों, जब से इस न्यू फीड का रिटर्न हुआ है, तब से सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें उड़ने लगी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नकली फीड है, जिसे हम इम्पोस्टर फीड भी बोल सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जितने भी ये मास्क वाले सुपरस्टार होते हैं, खतरनाक सुपरस्टार होते हैं, हमें इनका डुप्लीकेट देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर हमें अंडरटेकर का भी डुप्लीकेट देखने को मिला है, केन का डुप्लीकेट भी देखने को मिला है, स्टिंग का डुप्लीकेट भी देखने को मिला है, इवन सिन कारा का डुप्लीकेट भी देखने को मिला है। तो दोस्तों, फीड का डुप्लीकेट भी हो सकता है, आज नहीं तो कल ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैंने फुल डिटेल में एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। दोस्तों, अगर हम इस न्यू फीड को पुराने वाले फीड से कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि पहले वाला जो फीड था वो ब्लैक बनियान पहनकर आता था और देखने में थोड़ा मोटा और फैटी लगता था। लेकिन ये जो न्यू फीड है, उसने अपनी न्यू ड्रेस से अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो पुराने फीड के मुकाबले इतना ज़्यादा मोटा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि ये नकली फीड है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम न्यूज़ के हिसाब से देखें तो सुनने में ये आया है कि ये जो न्यू फीड है, वो ब्रे वायत का रियल ब्रदर बो डैलस हो सकता है। दोस्तों, अब आप कहोगे कि WWE ऐसा क्यों करेगी, तो दोस्तों WWE स्टोरी लाइन को तगड़ा बनाने के लिए ऐसा कर भी सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये जो न्यू फीड है वो नकली फीड हो सकता है या फिर वो असली फीड है, वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।